अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को बस एक ही बात का इंतजार था कि जल्दी से काम शुरू हो, क्योंकि जो हमारी फिल्मी परिवार है, जो फिल्म के हमारे टेक्नीशियन हैं, जो हमारे सहयोगी कलाकार हैं, वो सभी लोग सब और हम सब भी घर बैठे हुए थे 7-8 महीने से। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि कितना जल्दी पहले काम शुरू हो जाए। सरकार की गाइडलाइन आने के बाद हम लोग ने शुरुआत कर दी, एक दो फिल्में बन भी चुकी हैं। और उसके बाद जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई है, लगाओ है क्या हो, एक सेकंड होल्ड कर लो। एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जिस चीज का हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, आप समझिए कि लगभग 13 साल बाद, 13 साल पहले हम लोगों ने साथ में फिल्म बनाई थी, और उसके डायरेक्टर हमारे केडी जी थे, जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। और उस फिल्म ने ही मुझे एक तरह से हीरो के रूप में इस्टेब्लिश किया था इंडस्ट्री में। उसके पहले एक दो फिल्में आई थी, पर निरहुआ रिक्शा वाला से पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी फिल्म लग गई वहाँ लोगों ने हीरो के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं से निरहुआ रिक्शा वाला नाम भी पड़ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, पर कभी परिस्थिति बनी नहीं और संयोग नहीं बन पाया। पर ये लॉकडाउन के बाद पहला जो मौका मिला वो सर के साथ ही मिला। सर ने जैसे कहा कि शूटिंग करनी है और हम एकदम रेडी हैं, तो हम बोले अगर आप रेडी हैं तो हम भी एकदम रेडी हैं, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। तो इस साल जो है पहली फिल्म ही हम शूट करने जा रहे हैं अपने केडी जी के साथ में। श्रेय श्रीवास्तव जी इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनके साथ पहले से हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा था, पर लॉकडाउन होने के वजह से नहीं कर पाए थे काम। और अक्षरा जी के साथ में भी काफी टाइम के बाद, अक्षरा जी के साथ मेरी फिल्म आई थी दिलेर, उसके बाद काफी गैप हो गया और संयोग नहीं बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है अगर अपने किरदार में उनको रखना भी चाहते हैं तो उनके अगर समय नहीं मिला या नहीं बैठ पाया तो नहीं हो पाता है। पर इस बार जो है ये कहानी भी जब बनी तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि ये किरदार बिल्कुल अक्षरा जी ही करेंगी, और हमने भी कहा कि एकदम ये रोल जो है अक्षरा जी पे ही शूट होता है और वो करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और अक्षरा जी भी संयोग से उस समय, जो समय हम लोग शूट करने जा रहे हैं वो उनका डेट्स मिल गया, तो अब हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और टाइटल भी बहुत बढ़िया चुना है सर ने, तो बस आप सबका आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, और नए साल में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दिनों के बाद हमारे जो दर्शक हैं वो भी लोग भी परेशान हैं, वो भी सोशल मीडिया पे लगातार पूछते रहते हैं कि नई फिल्म कब आ रही है, थिएटर में फिल्म कब आ रही है। और एक खास बात ये भी है, आज ही एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई बिहार में, और उसके तीनों शो जो है वो हाउसफुल हुए। तो इससे एक अच्छा संकेत ये भी मिला कि मतलब थिएटर में जो है ऑडियंस आने के लिए तैयार बैठी है, बस अच्छी फिल्में थिएटर तक पहुंचनी चाहिए। तो उसमें तो हमारे जो सर हैं वो मास्टर हैं, और ये इन्होंने प्रूव किया है। कई फिल्में मेरे अलावा भी जितनी इनकी फिल्में रही है, बड़ी फिल्में बनाया इन्होंने। और एक बार फिर से हम दोनों को साथ में मौका मिला है, मैं अपना जान लगा दूंगा, और मुझे पता है कि सर अच्छी फिल्म बनाएंगे हमारे लिए, जान लेगो बनाएंगे। दिनेश जी ये भी कहना चाहूंगा, पिछले 8-9 महीने से जो माहौल देख रहे हैं, तो आपका कई सालों से अभिनय करियर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दौरान आप क्या करते थे घर पे, या किस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे? क्योंकि शूट पे जाना, फंक्शंस पे जाना, शो करना, वो सब चीज बंद था 8-9 महीने से। बिल्कुल एकदम घर में ही लॉक हो गए थे हम लोग, और मुझे लगता है कि 6-7 महीना मैं तो घर से निकला ही नहीं, मैं उतरा ही नहीं फ्लैट से अपने, क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही थी सरकार की कि आपको जो है घर में रहना है और सामाजिक दूरी बनाए रखना है, तो उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी ये भी थी कि हम अगर सेलिब्रिटी हैं तो वैसे भी कहीं ऐसी जगह पे ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो और नियमों का उल्लंघन हो, तो हम अवॉइड ही करते थे। पर बेचैनी तो थी कि कब शुरू हो, क्योंकि एक दिन भी काम किए बगैर रहना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, और ख़ास करके जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं मेरे तरह, जिनको मजदूरी करने की आदत है, कि सुबह उठे और सुबह उठ के तैयार हुए
सात बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जिनको खटने की आदत है उनको घर पे बैठा दीजिए, आप भले उनको सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठे पर वो चैन से नहीं जी पाएंगे। तो बड़ी बेचैनी होती थी कि कब शुरू हो, क्योंकि काम करना है, बैठ के तो हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान की कृपा से अब सारी चीज़ें ठीक हो रही है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है और 16 तारीख से जो है वो वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नया साल जो है हम सब के लिए नई खुशियां लेके आए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। दिनेश जी ये भी पूछना, हाल फिलहाल में ही नोएडा में फिल्म सिटी बनने की बात थी लेकिन उसमें भी राजनीतिकरण होने लगा कि नोएडा में फिल्म सिटी बने तो फायदेमंद है या नहीं है, उसके बाद आपने पक्ष में कहा, इसके क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक और फिल्म सिटी बनती है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बना रहे हैं महाराज जी यूपी में नोएडा में, तो जिन सुविधाओं के लिए हमको मुंबई से लंदन जाना पड़ता था और बाहरी जगह या अपने देश में भी हमें रामू जी राव जाके शूट करना पड़ता था, तो अगर एक ऐसी फिल्म सिटी अपने भारत में बन रही है, नोएडा में बन रही है, तो ये हर इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगू हो, कन्नड़ हो, सबके लिए खुशी की बात है कि अगर उनको अत्याधुनिक सुविधाएं नोएडा में मिलेगी तो हम वहीं जाके शूट करेंगे, हम लंदन क्यों जाएंगे। तो उसके आने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और ये भी नहीं होने वाला है कि वहाँ फिल्म सिटी बन जाएगी तो हम मुंबई में शूटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों, यहाँ का जो काम है हम यहीं शूट करते हैं, जो यूपी में काम करना होता यूपी में शूट करते हैं, लंदन जाना पड़ता है तो वहाँ भी जाके शूट करते हैं, रामू जी राव भी जाके शूट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बेकार की बहस और बेकार की बात है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और देश में जितनी भी फिल्म सिटी बनेगी लोगों को और रोज़गार मिलेगा, सुविधा मिलेगी, लोगों को उनके घर के आसपास शूट करने का अगर सुविधा मिलता है तो उसमें अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं मुझे लगता है। दिनेश जी ये भी कहना चाहूँगा कि ये माना जाता है कि सेलिब्रिटी का वक्त नहीं होता है, काम में बहुत व्यस्त होते हैं, आज अपने माता जी के साथ आए हैं और बच्चे के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को परिवार के बीच और काम के बीच में? मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो माता जी जल्दी मुंबई आती नहीं है, पर जब क्योंकि इनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ फ्लैट में रहने को इनको जमता नहीं है, गांव में इनको अच्छा लगता है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं गांव जाता हूँ तो इनको लेके आ जाता हूँ, ये 10-15 दिन रहती हैं फिर भाग जाती हैं गाँव। तो संजोग है कि अधिकतर जब मैं कोई फिल्म का मुहूर्त कर रहा होता हूँ और माता जी अगर मुंबई में हैं तो इनका आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं, और जब जब मुहूर्त में आई हैं आशीर्वाद इन्होंने दिया है तो फिल्में जो है बहुत सफल हुई हैं, और आज माता जी थी मुंबई में तो मैंने बताया कि चलिए आशीर्वाद दीजिए, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो माता जी ने कहा चलो बेटा अब तुम लोग को आशीर्वाद ही देंगे और क्या करेंगे। माई नमस्ते, कैसे मानी? बोला तनी जोर से पूछा था कुछ, बोला बोला प्रणाम, खुश रहा बोला बोलते हैं भैया, एम खाली जन्म को दिले है, गरीब का लड़का लोग ना हो भैया, अपन अपन प्रताप से अपना खा कमा लो, हम फिर से आशीर्वाद दे देना। दिनेश एक आखिरी सवाल ये है कि आज के जो भी फिल्में हैं आप देख रहे हैं कि थिएटर का बिजनेस भी काफी प्रभाव पड़ा है इस चीज के लिए, तो OTT प्लेटफॉर्म पे सारी फिल्मों को दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों को, वो क्या समझते हैं कि जो कलाकार का एक इमेज होता है पर्दे पर जो होता है वो आप तुलना कर सकते हैं OTT पे? बिल्कुल नहीं कर सकते, और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं खुद ऐसा फिल्मची आदमी हूँ कि मैं जानता हूँ कि फिल्म देखने का जो मजा है थिएटर में तो वो OTT पे तो नहीं आएगा, और मैं खुद भी जैसे ही थिएटर खुले तो मैं खुद जाके फिल्में देखना शुरू कर दिया, तो मैं मानता हूँ कि जो दर्शक हमारे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि बस थिएटर खुले और जैसे थिएटर खुलेगा वो थिएटर में आएंगे, फिल्में देखेंगे। OTT पर प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, वहाँ भी फिल्में आएंगी, रिलीज होंगी, पर थिएटर का अपना मजा है और थिएटर के लिए हम फिल्में बना रहे हैं, और भगवान चाहेंगे तो आप देखिएगा इस फिल्म से जो है थिएटर में एक नया जो है जादू चलाएंगे हमारे KD जी, निरहुआ रिक्शा वाला की तरह। आइए अक्षरा जी भी आ गई,
रास्ते में फ्लाइट डिले हो गई इस वजह से बैठी। अच्छा कहाँ से? पटना से। अच्छा पटना से, ये देखिए कमाल, पटना से मुहूर्त में बुला लिया फिर क्या बात है, वाह ठीक है। तो हम लोग तो सब बता दिया, अब आप बताइए। लगा दो, लगा 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 मैडम बोलना भैया, काम ज्यादा मत करो। हाँ कुछ चलो शुरू करो, प्रभात शुरू करो जी। सो एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक अरसे बाद यू नो हम लोग एक साथ काम करने वाले हैं और ही हैज बीन माय फेवरेट एज ऑलवेज और हमेशा रहेंगे। सो इस वजह से ये हमारी शायद थर्ड फिल्म होगी साथ में। सो एक अरसे से खोज भी रही थी मैं कि कब साथ में काम करेंगे। सो I'm really very happy and excited too. और गायकी भी कर रही हैं इस फिल्म में, उसके मतलब कि किस तरह का गाना वगैरह होगा? अब तो अपने प्रोड्यूसर सर और डायरेक्टर सर की कृपा है कि इन्होंने मुझे गाने का अवसर दे दिया। नहीं नहीं अरे नहीं, गाना तो आपको आप बप्पर स्टार गायक हैं आज के अच्छा ये भी कहना चाहूंगा, फिल्में नहीं आ रही थी पर्दे पर लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप न्यूज चैनल्स पे काफी मतलब अपना जो व्यूज दे रही थी और काफी अच्छा व्यूज दे रही थी, उसके बताइए क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव था किसी चैनल को रिप्रेजेंट करना किसी मुद्दे पर? जी ये एक टोटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और एक्सपीरियंस था आई मीन, और मुझे लगता था कि कदम कदम पे हम कुछ नया सीखते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उस बारे में कहना, चूंकि मैं बिहार से हूँ तो उसके लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा मैं जरूर खड़ी रहूंगी। सो दैट्स व्हाई। तो कंगना जी अभी इतना मतलब हर चैनल पे अपने व्यूज को पेश करती हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी के कंगना रनौत बनने का सक्षम रखती हैं? ऐसी कोई कामना नहीं है पर आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ये स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, और मैंने अपने लिए लिया और आगे भी लेती रहूंगी, बस ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। थैंक यू। जान लेबू का आज मुहूर्त हुआ, क्या कुछ खास करना चाहेंगे? जान लेबू का क्या ये टाइटल ही सब कुछ कह रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इस बारे में क्या कहूँ कि मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिनेश जी के साथ एक लंबे अरसे के बाद हम लोग काम करेंगे, और चूंकि हमने किया था पहली फिल्म बतौर लीड इनके जस्ट ऑपोजिट दिलेर, और वो टाइम हमने बहुत मस्ती की थी, बेहद अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, और मतलब क्या ही कहूँ, इनके लिए तारीफें बहुत कम पड़ जाएंगी। मुझे लगता है सारी एक्ट्रेसेस जानती हैं कि कैसे हैं दिनेश जी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से एक्साइटमेंट के साथ और मस्ती के साथ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो वो एक अलग केमिस्ट्री के साथ हम लोग साथ काम करेंगे। फिल्म में प्लस पॉइंट है इस बार किडी जी। यस हाँ, इन ये भी इनके साथ हमारी दूसरी फिल्म होगी, पहली फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए, लास्ट टाइम इन्होंने प्राण लिया, इस बार जान लेने जान ले रहे थे तो लगता है इसमें ही जान जाएगी मेरे। केडी जी क्या कुछ कंफ्यूजन दूर करिए, कौन किसका जान लेने वाला है? वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान ले रहे हैं। नहीं नहीं, जहाँ तक स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ जान तो ये पूरे फिल्म में जान ले रहे हैं, और मैं सासक में पड़ा हुआ हूँ पूरी फिल्म में कि भाई ये एकदम जान लेके ही छोड़ेगी क्या? और लास्ट में मैं बोलता हूँ कि अब तक बकसदार जाने ले लेबू का। अभी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर ओम जी हैं, उन्होंने बोला कि इस बार अक्षरा जी भी गाना गाने वाले सिनेमा में, ऐसे कई गाने इनके लॉकडाउन में हिट हुए हैं, क्या कुछ खास होगा गाना, कुछ तैयारी है? तैयारी तो नहीं है, अभी तुरंत पता चलेगा और फिर हम लोग उस पर बैठेंगे और अच्छे से गाएंगे होपफुली। शुरुआत ही है आज गाने की। जी अभी के गाने से शुरुआत हो। गाने को लेकर क्या कुछ नया साल में कुछ खास तैयारी है दिनेश जी? हाँ देखिए, जो ये फिल्म है उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे ओम झा जी, आज के डेट में ओम झा जी जो हैं वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे ज्यादा व्यस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो
मेरी फिल्म बन रही हो या खेसारी भाई की बन रही हो या पवन जी की बन रही हो, पर म्यूजिक डायरेक्टर जो है ओम झा जी हैं। तो ओम झा जी गाना इतना अच्छा बनाते हैं कि दर्शक भी उनको चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं। और देखिए ओम झा जी एकदम गोलू मटोलू हो गए हैं एकदम से, लॉकडाउन लॉकडाउन, और बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। इनका गाना बहुत सारा मेरी फिल्मों में बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत प्यार दिया। और ये जो फिल्म का टाइटल था जान लेबू का, तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो इनका फ्लेवर है, सबसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए यही हो सकते थे, इसलिए ही उनको चुना गया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा गाना बनेगा, लोगों को बहुत मजा आएगा। अक्षरा जी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि दिनेश जी की माता जी भी मुहूर्त पर हो, आज वो भी यहाँ पर खुशकिस्मती से अवेलेबल थी, आपने उनके पैर छुए, इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी अक्षरा सिंह की? मेरी मुलाकात नहीं पहली बार मुलाकात हो रही है। और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि दिनेश जी की माँ आके हम सबों को आशीर्वाद दें। वैसे आपके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि माता जी जब भी आई है वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। अरे वाह, मजा आ जाएगा। बच्चों के लिए होता ही है। कब तक शुरू हो रही है दिनेश भाई ये फिल्म, इसकी शूट जो है वो कब तक शुरू हो रही है, कहाँ शूट होगी? हम लोग 21 तारीख से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं, इसी महीने 21 तारीख से। और इसकी शूटिंग जो है हम लोग करेंगे अमेठी रायबरेली रोड पे शिवगढ़ एक पैलेस है, जहाँ पे पहले कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म शूट हुई थी, सत्य में विजय थे। हाँ, वो एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फिल्म का ज्यादातर पार्ट जो है वहाँ पे ड्रामा है अक्षरा जी के साथ में, जहाँ पे ये आकर के और पूरा मेरा जीवन जो है खरमंडल मचा देती है। तो वो उसके लिए लोकेशन बहुत परफेक्ट मिला। उसके बाद फिर लखनऊ में कर, और उसके बाद जो बाकी का शूट होगा जो शहर वाला पार्ट है वो फिर हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे। केडी जी, कब तक आ जाएगी ये फिल्म तो रिलीज हो के? मैं बात कर रहा हूं अप्रैल मई तक, प्लानिंग सोचा है जितनी जल्दी आ सके। और ये सर एक चीज और खास है, आपकी फिल्म निरौवा रिक्शा वाला भी मई में ही आई थी। तो मई भी हमारे लिए बहुत लकी है, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग फिर से एक बार वही इतिहास दोहराएंगे। और क्योंकि कोशिश करें, मेहनत पूरी करेंगे, और सबका प्यार ऑडियंस का रहा हमारे साथ, तो बस करेंगे कुछ कमाल ही करने के लिए, वापिस जोड़ी बनाएंगे। और जो केडी जी की जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जान लेबू का, तो पढ़ते ही मैंने पहले पूछा कि ये लिखा कौन है। तो लिखे थे हमारे प्रोड्यूसर साहब ही, पर वो बोले मत बताना क्या। बोले पूछ रहे हैं कि लिखा कौन है, ऐसा तो नहीं कि क्या लिख दिए। बोला इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखे हैं, उनसे बात कराई तो बोले राइटर हमारे प्रोड्यूसर ही हैं। हम बोले अरे आप वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फोन किया सर को और बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लिए बनाई है, और मेरे से भी जो बेहतर ये स्क्रिप्ट होगी वो अक्षरा जी के लिए है। बहुत अच्छा इनका किरदार है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ शूटिंग करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को एक बार फिर से रिक्शा वाला मजा आने वाला है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन, रिक्शा वाला कोई यादें याद है आपको अभी तक? बहुत यादें मुझे याद है। मैं पहले ही दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और रिक्शा के ऊपर से मुझे गुलाटी मार के रोड पे खड़ा होना था। और संजोग की बात यह थी कि तब नया नया हीरो में आया था, और केबल का बजट नहीं था। इस बार बजट है ना? केबल था भी नहीं, केबल था भी नहीं शायद उस टाइम पे, केबल था इतना नहीं आया। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारी फिल्म के लिए केबल का बजट है ना इस बार? हाँ इस बार है। तो हुआ ये कि उस पर से हमको गुलाटी मार के रोड पे आना था, तो पहले जो फाइटर ने मुझे दिखाया वो उसी के ऊपर गिर गया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए लोग। तो फाइट मास्टर बोले कि तू बता, वो दूसरा वाला आया वो भी मार के उसी पे गिर गया हैंडल पे, उसका भी यहाँ फिर टूट गया, उसको लेके गए हॉस्पिटल। अब केडी सर और फाइट मास्टर दोनों देख रहे हैं कि इसके सामने हादसा हुआ है, और ये लड़का गाने होने वाला है, हीरो तो है नहीं, ये करेगा?
तो केडी जी बोले क्या करे भैया बदल दे, बोले ना सर हम वो ट्राई दिए, हम वो एक ट्राई मारा था नहीं, अगर हम गिर जाए तो हमारों के भेज दिया लोग। और मैंने वो शॉट दिया और वो शॉट जो था बिना केबल के रिक्शे के ऊपर से मैंने वो समर शॉट मार के और मैंने वो सामने शॉट दिया था। तो वो तब भी याद था, आज भी याद है, जीवन भर याद रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी पहले गिरा होता तो मैं भी उधर ही चला गया होता। तो वो याद है मुझे। और केडी जी ने कहा था कि बेटा मेहनत कर लो, जो कुछ तुम कर सकते हो इसमें, जितना दिखा सकते हो सब कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो मुझे भी लगता था कि हाथ पर रह के क्या करेगा जब कुछ लायक बनेंगे नहीं, तो चलो करते हैं। तो जो जो इन्होंने कराया सब किया मैंने और लोगों को पसंद भी आया। और वहीं से देखिए लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला ही बना दिया मुझे। मम्मी आपके बगल में बैठी हैं, 14 जनवरी है, बचपन की बात बताइए, कितना पैसा मिला था मेला घूमने के लिए आपको? मेला घूमने के लिए सच में माँ ही पैसा देती थी हमेशा, और पैसा से ज्यादा तो धान मिलता था, जो गांव में धान मान होता था। तो मेला जाना है तो मम्मी जो है झोला में धान भर के दे देती थी, केला पहले धान बेचते थे, फिर वो जो पैसा मिलता था तो उससे पहले माँ के लिए पकौड़ी खरीद लेते थे, और उसके बाद जो बचता था उसमें मेला घूमते थे, घूम के आ जाते थे। हाँ नहीं काहे बुलाई, गरीबी काहे के बुलाई, पूछा है लोग से हमको बहुत थोड़े कही लगे, हम बहुत अमीर आदमी। माई कहते हैं कि गरीबी के कभी भुलैया मत, तो हम कबो की ओर से थोड़े कहला माई की हम बहुत अमीर हैं, हम तो कहला हम गरीब के लैका आई, किसान के लैका आई, मजदूर के लैका आई, यही से न मेहनत कर पाईला। पहले तू हार मेहनत था, तुहरा ही मेहनत से फिर हम लगावा है क्यों? माई एगो गाना आई रहे, मेहरी रहे बीमार, दुलही रहे बीमार, दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटर है, तो कितना सटर आते जरा बता दीजिए आप। कदा भी ये माई से पूछवा लो। ओके गाइस बस करो यार, गरीब को लेकर धन हो गया तो किसी को सब घमंड ना रखे के चाहिए, हम रत्ता धर के चले ला के उनको बुला दूँ जो पाँच मिनट खड़े हो गया अपने नागों की खाई भी उठ गया भैया, हम घमंड ना रहे तो बचा तो किसी खाई। नहीं माई के बात एक गो जो है वो मंत्र के तरह हम रखिला अपने साथ है, कहें कि हमारे ना दुनिया में केहू कभी माई बाबू जो हो ना जोन संस्कार दे लें ओकरे चलते आदमी जीवन में जोन भी करेला जैसे भी रहेला, तो हर माँ बाप के आशीर्वाद और संस्कार ही काम आवेला। तो माई जोन सिखावे ले वो सब हम याद रखेला, माई याद रखेला, चिंता मत कर। नया साल पे जाते तो एक अंतरा कोई जो आपके लिए कुछ खास हो नया साल में, क्या क्या कुछ कोई अंतरा सुना दीजिए। अच्छा कुछ गा दें। हाँ सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो, बोलाए करे जा जान ले बुका हो, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, ऐसे बतावा परान ले बुका हो, बोलाए करे जा तू जान ले बुका हो। अच्छा जी जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा जी काटो, नाउ इट्स योर टर्न। कि कहे खिसी आई बड़ा परान ले बका हो, क्या बात है, बोला हमर करे जा जान ले बका हो। वाह वाह वाह, क्या बात,
पहले सभी को हाय प्रणाम. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक पिक्चर आ रही है जान लेबू का. जब नाम ही पिक्चर का ऐसा है तो पिक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी. और सबसे अच्छी चीज़ ये है प्रोड्यूसर जो हैं इसके श्री जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और वो ऐसे प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं. और डायरेक्टर जो है केडी जी हैं, नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. तो जब इनकी जोड़ी के साथ जब कोई पिक्चर आएगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छी होगी, धमाकेदार होगी, कहानी अच्छी होगी, शूटिंग अच्छी होगी. क्योंकि जहाँ पे प्रोड्यूसर अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है और स्टोरी अच्छी होती है, आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं. इसके अक्षरा जी हैं, दिनेश जी हैं. तो आई एम सो हैप्पी कि एक अच्छी पिक्चर हमारी ऑडियंस के सामने आएगी. और मैं बस यही शुभकामनाएं दूंगी पिक्चर को कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आए और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे, जो मुझे उम्मीद है कि हाँ खरी उतरेगी. क्योंकि जोड़ी सभी की बहुत अच्छी है, जहाँ तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट और ओमझा जो है उनका म्यूजिक है, जहाँ पे ओमझा का म्यूजिक आ जाता है तो बहुत ही अलग हो जाती है. और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं पिक्चर में सभी लोग. तो बस मैं चाहूंगी जल्दी से पिक्चर कंप्लीट हो और हम लोगों को देखने के लिए मिले. सुबी शर्मा जी आपकी दोस्त हैं, अक्षरा जी और दिनेश जी की लगता है जान लेने वाले हैं, दिनेश जी उसके लेने वाले हैं. तो आप बताने के लिए बीच में टपकने वाली हैं? नहीं, मैं एडवांस में आपको हिंट दे रही हूँ. अब जब पिक्चर ये है जान लेबू का, तो अब कौन किसकी जान लेगा वो तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सस्पेंस है कौन किसकी जान पे आएगा या लेगा या व्हाटएवर जो भी कुछ होगा. तो पिक्चर को देखने के बाद में पता चलेगा. और जहाँ तक बात अक्षरा जी की, दिनेश जी की, तो दोनों ही नेवर नो कौन किसके जाने तो वक्त बताएगा. फिलहाल ये बताइए, फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत पुराने हैं और सीनियर डायरेक्टर हैं. हाँ जी. क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और नो डाउट सीनियर है, बहुत यंग है. ऐसे पीछे से मुझे आवाज आ रही है सुनने में, नो डाउट. तो डेफिनेटली इसलिए तो मैंने बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी शूट होगी. जबकि डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पिक्चर तो कुछ धमाल करेगी. आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति सभी को. और पीनी खाइए, स्वीट्स ज्यादा मत खाइए, बट हाँ थोड़ी सी खाइए, पकोड़े खाइए. आज के दिन तो संक्रांति है, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए. आज क्रांति करिए, आज क्रांति मत कीजिए, संक्रांति सिर्फ संक्रांति. हाँ देखो पकोड़े ही मांगने शुरू हो गए, अब वो भी वो वाले दाल वाले. हाँ अपकमिंग कोई फिल्में आपके आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है एक पिक्चर जो बहुत जल्दी आएगी, सबसे पहले रिलीज होगी मेरी पिक्चरों में से, वो है सही है अरब ले लेना. उसमें मैं हूँ, खिसारी जी हैं, काजल जी हैं. तो ये पिक्चर रिलीज होगी बहुत जल्दी, मे बी शायद मार्च में. तो आप अरब गई थी? अरब गई थी. हाँ मैं अरब ही गई थी, अरब में रह के भी आई हूँ. अरब और अरब नो डाउट वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चलती हैं, वो सब कुछ पिक्चर में है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है और भी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं. अब 2021 में फर्स्ट मूवी कौन सा हुआ जो शूट पे जा रहा है आपका? मेरी शायद श्री जी का पिक्चर ही होगा. अच्छा सबको ये वाली पिक्चर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में खिसारी जी. कंट्रोवर्सी हीरो आपका जैसे बता रहे जो अरब गिलेना है, उस बारे में और कुछ जानकारी बताएंगे? अरब गिलेना में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि जो यहाँ के होते हैं, इंडिया के लोग अरब में जाते हैं, फंसते हैं, क्या क्या उनके साथ में, उनके ऊपर आप बीती हुई चीज़ें होती हैं, वो इस पिक्चर में कहीं ना कहीं उसका भी अंश है, दर्शाया जाएगा. और जहाँ तक बात है कहानी में, लव, रोमांस, एंगल, ट्रायंगल, वो सब कुछ है इस पिक्चर में. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल. मिस यू. अब हम लोग जल्दी पिक्चर आप लोगों के पास में आए, इसलिए बस मैं बहुत खुश हूँ नए साल के लिए. थैंक यू सो मच. हाय, मेरा नाम है हिमा और श्रेय जी की फिल्म कर रही हूँ, इन्हीं की फिल्म की हीरोइन. सो थैंक यू सो मच श्रेय सर, जो आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, इतना अच्छा काम करने का मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ. सो थैंक यू सो मच. बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस किरदार में आएगी? क्योंकि अक्षरा जी हैं और दिनेश जी हैं, जो दोनों नामी ग्रामी हैं, मतलब एक चेहरा. इस पिक्चर में स्क्रिप्ट के हिसाब से दो हीरोइन जाती है, एक थोड़ा वेस्टर्न लुक है जो अमेरिका जाके सेटल होना चाहती है, जिस रोल में हमने महिमा को लिया है, और अक्षरा जो है घरेलू टाइप की और सोशल कैरेक्टर है उनका. और जान लेबू का टाइटल है, मतलब वो इतना जान के पीछे पड़ जाती है हीरो के कि उसके मुँह से निकलता है जान लेबू का. सर ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद आप देख रहे हैं फिल्मों का निर्माण शुरू हो गया या जो भी फंक्शन से मोहरत शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है लॉकडाउन और ये जो कोरोना का एक महाकाल कह सकते हैं उसका इंडस्ट्री पे?
लॉकडाउन का तो सभी को फर्क पड़ा है, सारा बिजनेस तो लॉस में ही चल रहा है सभी का ऑलमोस्ट, बट फिल्म का अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने से काफ़ी काम चल रहा है। लखनऊ भी गया था, वहाँ पे कम से कम 7-8 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, वेब सीरीज चला था, वापस सब ठीक ठाक हो रहा है, टाइम लगेगा, 3-4 महीने में मेरे हिसाब से तो ठीक हो जाएगा। प्रोड्यूस कर रहे हैं आप फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे हाल ही में जो फैसला लिया गया नोएडा में फिल्म सिटी खोलने का, उसके बारे में बताइए कितना एक पॉजिटिव स्टेप है? बहुत पॉजिटिव है क्योंकि यूपी में काफ़ी फिल्में शूट हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है लोगों को, तो वो अगर नोएडा में या कोई भी यूपी के अच्छे सिटी में खुलता है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा। मैम आपसे तो पहली बार काम कर रही हैं दिनेश जी के साथ, कितना फॉलो कर रही हैं उनकी फिल्म को, सिंगर भी हैं गाने भी गाते हैं उसमें भी वो कामयाब हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? दिनेश जी तो लाइक काफ़ी लीजेंड एक्टर हैं और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, और ये तो लाइक ये कहना चाहूँगी कि लाइक मेरा बहुत अच्छा लग था जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और इन फ्यूचर भी मैं उनके साथ बहुत सारा काम करूँ, दिस इज माई फर्स्ट वर्क उनके साथ, सो आई एम टू हैप्पी। तो डेब्यू फिल्म में आपकी कुछ बताइए अपने बारे में, आपने जो नहीं इससे पहले भी मैंने एक खेसारी जी के साथ फिल्म की है जो कि हमारी रिसेंटली शूट हुई है इन लंदन में, एंड ये मेरी सेकेंड फिल्म है। तो आगे का क्या प्लान है और श्रेय जी को कितना आमती है देने के लिए? ऑफकोर्स मैं तो लाइक इतनी ज्यादा खुश हूँ और उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, वो भी दिनेश जी के साथ, लाइक आई एम सो हैप्पी। थैंक्स मैम। श्रेय जी आप कितना खुश हैं? मुझे अच्छी हीरोइन मिली तो मैं तो खुश हूँ, डेफिनेटली जिस तरह का कैरेक्टर है वो महिमा पे जाता है, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी। दिनेश लाल यादव हीरो हीरोइन अक्षरा जी, क्या दोनों को आप संभाल पाइएगा? वो दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, मुझे नहीं संभालना है, जो रोल है दोनों पे एकदम सही जाता है और दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संभालने की बात आएगी किसी को। लंबे अरसे के बाद आप फिर से भोजपुरी में लौटे हैं, क्या कुछ कारण रहा गैपिंग का? कुछ अच्छा सब्जेक्ट, कुछ अच्छे स्टार्स नहीं बन रहे थे बनाने के लिए, इसलिए नहीं बनाए, अब लग रहा है कि बनाना चाहिए तो फिर से वापस आ रहे हैं। पहले अभी कौन कौन सी फिल्में आ रही है जरा नाम बता दीजिए? पहले मेरी भोजपुरी में एक चिंगारी बनाई थी मैंने, और उसके बाद ये वाली पिक्चर है। और ये शूटिंग कहाँ करने वाला, कब से होगी इसकी? ये रायबरेली में हो रही है, लखनऊ के पास, 20 तारीख से, और उसके बाद हम लोग लखनऊ में करेंगे 10-12 दिन बाद, पूरा यूपी में ही हमारा शूट है लखनऊ के आसपास। फिल्म के कलाकार की बात करें तो कौन कौन से कलाकार अभी तक फाइनल हो चुके हैं इसमें? जैसे अक्षरा है, महिमा है, और शंकर मिश्रा है, टेलीविजन के अच्छे एक्टर हैं वो भी हैं, बाकी यूपी के बहुत सारे कलाकार हैं जिसमें अभी दीपक भाटिया जी भी हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। हाँ केडी जी तो बड़े डायरेक्टर हैं, ये सबको पता है, निरहुआ रिक्शा देने वाले हैं, तो इस बार भी कमाल करेंगे। अभी तक कितना उन्होंने परेशान किया आपको? परेशान शायद मैं ही उनको करता हूँ, वो नहीं करते। सर अभी तो अभिनेता के तौर पे लगते हैं, आपकी जो व्यक्तित्व है उसके नाम बताइए अभिनेता के तौर पे अपने को। नहीं एक्चुअली मैं हूँ डायरेक्टर, एक्टर मैंने किया है भोजपुरी चिंगारी में, मैंने नेगेटिव की थी। अच्छा। लेकिन अभी इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्रोड्यूस करूँ पिक्चर, तो बड़ी पिक्चर है, काफी लोग हैं, तो एक ही काम करना जरूरी है। भोजपुरी में म्यूजिक बहुत माने रखता है, क्या कुछ खास तैयारी म्यूजिक को लगे? म्यूजिक में हमने सारा अपना जिम्मेदारी ओम झा को दे दी है, उन्होंने काफी हिट फिल्में दी हैं, हिट गाने दिए हैं, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा काम करेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी के बारे में? कुछ दिनेश सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, लाइक हम उनके साथ काम कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो, हमारी फिल्म हिट जाए, और आज हमारा मुहूर्त है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, थैंक यू। अक्षरा जी हीरोइन है, अभी हीरोइन है जी, तो क्या दोनों में ट्यूनिंग बैठेगी? ऑफकोर्स बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी, शी इज एक्टर, आई एम ऑल्सो एक्ट्रेस, सो लाइक एक्टर की ट्यूनिंग तो हमेशा बैठती है, और इस बार भी बैठेगी और बहुत अच्छी बैठेगी। लेकिन हिंदी फिल्मों में अगर दो एक्ट्रेस रहती हैं, कोई भी फिल्म हो, तो इतना आसान नहीं होता दोनों में ट्यूनिंग जमना, मतलब और अक्षरा जी एक नामी ग्रामी मतलब एक्ट्रेस, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? सी कहते हैं कि जितने बड़े एक्टर होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, राइट? सो मैंने जहाँ तक उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, शी इज रियली गुड, शी इज रियली काइंड, सो लाइक हमारी ट्रेनिंग बहुत बैठेगी, आई फील लाइक दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
देखो सबसे पहले तो जान लेबू का इस टाइटल से थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि सोशल कॉमेडी के साथ में दिनेश जी का एकदम ही अलग रूप पेश करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में, और इट्स अ फुल ऑफ कॉमेडी सोशल फैमिली ड्रामा जो आजकल से बिकॉज टू मच ऑफ फिल्म आई है जो बहुत सेम टाइप लग रही है, तो वी विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लेट्स सी कितना हम सक्सेस होते हैं उसमें। तो सर अपने डिफरेंट की बात की, कुछ अलग करने की बात की, तो काफ़ी दिनों से आप इस क्षेत्र में क्या डिफरेंट पा रहे हैं अभी के दौर में आप भोजपुरी फिल्मों में? नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से भोजपुरी से थोड़ा सा दूर हो गया था। आई मेड पंजाबी मूवी, गुजराती मूवीज, फिर एक हिंदी पिक्चर बनाई थी, थोड़ा सा दूर था बिकॉज थोड़ा सा मार्केट छोटा सा हो गया था, लेकिन नाउ इज ग्रोइंग, अगेन इज ग्रोइंग, तो जैसे ही ग्रो हो रहा मैं वापस आ गया, लालची इंसान होते वापस आ गया। मेरे हुआ रिक्शा वाला के बाद से लेकर अभी तक क्या कुछ भोजपुरी में बदलाव आया है? टेक्निकली बहुत अच्छी हो रही है, टेक्निकली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हर डायरेक्टर जो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं और जो पिक्चर बना रहे हैं जो मैंने देखी, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, नो डाउट। फिल्म में जान लेबू का हूँ मैं, हमने अक्षरा जी को कास्ट किया है जिसे कि हमेशा अमरपाली जी दिनेश जी के साथ आती हैं नज़र, क्या कुछ खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, मैं अमरपाली जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, दिनेश को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट द थिंग वॉज दैट कि हम लोग के जो रोल वी वर थिंकिंग ऑफ, जो हम लोग ने एक रोल डिसाइड किया था उसके अंदर अक्षरा बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसके लिए भी, एंड देखने के बाद में और चीज़ क्या था कि थोड़ा सा था कि थोड़ा सा कुछ वेरायटी मिले, वेरिएशन मिले, वी जस्ट ट्राई टू सी पर्दे के ऊपर वेरिएशन मिले। सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ आंसर से, आप जैसे खूबसूरत तो सनी लियोनी भी लगती है। वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग कर रहे हैं, उसके साथ तेरी मनोकामना पूरी करेंगे ताले। दिनकर सर ये जाना चाहूंगा और क्या, ये उसके ऊपर ही जाना चाहते हैं भाई, ये तो डाल ही देना। इट इज सर एक परसेप्शन बन जाता है कि जब किसी हीरोइन के साथ, साइलेंस प्लीज, किसी हीरोइन के साथ कोई पर्टिकुलर जोड़ी बनती है, कई फिल्मों तक चलती है और कहा जाता है कि ये जोड़ी सबसे हिट जोड़ी है भोजपुरी सिनेमा की, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए, किसी नए को रोप करने के लिए, एक अनयूजुअल जोड़ी बनाने के लिए, आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है ऑडियंस के सामने? ऐसे क्या रिस्की गेम, धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी की जोड़ी थी क्या, वो दूसरी हीरोइन के साथ काम नहीं करते थे? मुमताज जी के साथ कितना उनकी फेमस, देखो ये एक ऑडियंस होती है वो देखती है भैया हमको हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ही दिखे, वो आती है, लेकिन उनके साथ जब दूसरी हीरोइन होती है अगर वो भी परफॉर्मेंस अच्छा देख रही है और दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है तो भी चलती है। धर्मेंद्र जी ने खाली हेमा मालिनी जी के साथ तो ही ना काम किया, आपको बिल्कुल लगता है कि ना सिर्फ डाइजेस्ट करेगी बल्कि इसे हिट भी बनाएगी? कोशिश है रही सर, बाकी तो ऑडियंस है, आप लोग पता चलेगा क्या होगा। सर आपसे चाहूंगा, सर एक क्वेश्चन और, यहाँ बहुत लंबे खलनायक अपने लिए, दीपक भाटिया नाम है, हाँ कुछ इंतजार बताएंगे? तो विलेन, विलेन दिख रहे हैं कि नहीं? तो विलेन के रोल में लिया है, दिख रहे हैं तो लिया। दीपक जी आपने यही पहन रखा, आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आपको बहुत फीस चाहिए, ये बताइए। ये फिल्म के लिए है। अच्छा आज मकर संक्रांति का दिन है, ये फिल्म के लिए है ये लाइन। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, जो टी शर्ट हाथ में आई वो मैंने डाल ली। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। सर ये कहना चाहूंगा कि विलन का रोल प्ले करते हैं भोजपुरी फिल्मों में, या विलन का जो अब इम्पोर्टेंस है फिल्मों के हिसाब से, खासकर हिंदी फिल्मों की बात करें, कितना आपको लगता है कि संतुष्ट का इलाके, क्योंकि एक्टर ही सब कुछ करता है, विलन भी एक्टर बन जाता है, कॉमेडियन भी एक्टर बन जाता है, उसके लिए बताइए। देखिए विलन, विलन की अपनी एक अहमियत है, एक्चुअली क्या है, भोजपुरी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा हो, विलेन फिल्म की रीढ़ की हड्डी होता है। मुझे लगता है कि जितने वेरिएशन विलेन दे सकता है, शायद हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर में भी उतने शेड्स नहीं होते हैं, तो विलेन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, चाहे वो हिंदी, अब अमरीश जी को ले लीजिए, प्राण साहब को ले लीजिए, जो भी कैरेक्टर हों। अभी मैंने भोजपुरी में केडी जी की पिक्चर आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, देन उसके बाद मेरी दिनेश जी के साथ ही मैं लॉन्च हुआ था, फर्स्ट फिल्म थी मेरी कहाँ जाए राजा नजरिया लड़ाई के, उसमें मोना भी थी, मैं भी था और सीमा सिंह, हम तीनों एक ही फिल्म में लॉन्च हुए थे, केडी जी के तुरंत बाद हमारी फिल्म आई थी और वो फिल्म बहुत अच्छी चली थी, देन मुझे मेरा एक भोजपुरी में सफ़र स्टार्ट हुआ था और उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया भोजपुरी में, शायद गिनती मुझे भी नहीं मालूम होगी कि मैंने कितनी फिल्म की है, बट एटलीस्ट मैंने करीब 10-12 साल मैंने भोजपुरी फिल्म सिनेमा किया, मैंने हिंदी नहीं किया, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने लास्ट मैंने हिंदी दबंग 3 की थी, एक दो फिल्म और भी मेरी अभी आने वाली, रिलीज होने वाली है, अभी वापस कम बैक कर रहा हूँ तो दिनेश जी की फिल्म से ही कर रहा हूँ मैं, श्रेयस जी हैं, श्रेयस जी के से मैं कभी हिंदी के लिए मिला था इनसे और फर्स्ट टाइम दिनकर जी के साथ काम कर रहा हूँ,
दिनकर जी का बहुत नाम सुना है एंड थैंक यू वेरी मच, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया, श्रेयस जी ने अपनी फिल्म में लिया। मैं चाहूंगा कि मेरा ये सेकंड जो इनिंग है बहुत अच्छी स्टार्ट हो भोजपुरी में। सर लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से मतलब अमरीश पुरी जी थे, गुलशन ग्रोवर, ये सब जो बड़े नाम थे, पिछले कई सालों से कोई ऐसा विलन नहीं आया जो छाप छोड़ पाए इंडस्ट्री पे, उसके बताइए। एक्चुअली क्या विलेन तो सामने खड़ा है बट नजर नहीं आ रहा किसी को, जो जो क्लियर है तो सामने विलेन नजर आता है। लेकिन ये है कि हर चीज का एक समय होता है, हो सकता है मेरा समय अब स्टार्ट हुआ है। देखिए मैं मेरा मानना है, शायद आपने आप में से किसी ने कुछ एक बात सुनी हो, लास्ट ईयर 2020 में टाटा जी ने, रतन टाटा जी ने एक लाइन बोली थी कि जो 2020 में बच गया उसने अपनी फैमिली की सुरक्षा कर ली, वो समझ लो जिंदगी जीत गया, जंग जीत गया। भाई 2020 में हम अपने आप को सेफ कर लें, 21 के बाद हम काम भी कर लेंगे और पैसा भी कमा लेंगे। मुझे लगता है कि शायद हम लोग 21 में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। ये रतन जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जान ले लूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा मुझे अभी मुहूर्त में आके, और बहुत लॉकडाउन के बाद अभी ये जो भी स्टार्ट हुआ, हमारे काफ़ी भोजपुरी के हमारे सभी टेक्नीशियन फिर से काम करेगा लॉकडाउन के बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म में दिनेश लाल यादव जी हैं, अक्षरा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिनेश भाई के बारे में मैं क्या बोलूँ, दिनेश जी हमारे इंडस्ट्री के, बोलता ना छोटा हूँ बड़ी बात, मैं उनका हमेशा अमित जी के लेवल में गिनती करता हूँ, और सबका चाहता सबका लाटला, वो अजूबा आदमी। दिनेश भैया का कितना भी तारीफ करूँ, इसे रॉयल रॉयल जीनियस, हम सबका फेवरेट, हम सबका चाहता, और सब पूरे इंडस्ट्री के भोजपुरी का चाहता स्टार है, इज वेरी मैं तो बहुत दिनेश जी के साथ मेरे बहुत काम किया, बहुत उनके गाने के हिट गाने किए, और मजा आ गया। अभी भी दिनेश जी के साथ, अभी सडनली अभी 3 दिन पहले भी दिनेश जी के साथ था, और हम लोग बहुत सेट पे एकदम ऐसा लगता है ना जब मेरा कब गाना खत्म होता है क्या होता है, हम लोग बहुत हंसी मजाक से और एकदम फैंटास्टिक, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिल्म में कितने गाने आप प्रोग्राम कर रहे हैं? पूरे फिल्म के गाने अभी तक तो पूरे कर रहे हो, हमारे डायरेक्टर साहब केडी इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, बहुत पावरफुल डायरेक्टर, जो उन्होंने दिनेश भैया के साथ रिक्शा वाला सुपर बम्पर हिट, सुपर डुपर हिट फिल्म, मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का पाजा ही पलटी कर दिया था, कांसे का लेवल लेके गया था, तो बस पूरे गाने कर रहा हूँ फिल्म भी। और कौन कौन फिल्म आपकी इस साल रिलीज होने वाली है? काफ़ी जस्ट अभी संजय सर अभी लंदन में थे, मैंने लंदन में अभी 7 फिल्म किए, 7 मूवी, पवन जी थे, खेसारी थे, अभी दिनेश भैया की, काफ़ी मेरे तो पूरे क्या बताओ, अब तो देखिएगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, बस भगवान ने जो लेवल पे आज लेके गया, बस कर ही रहो, काम कर रहो। कैसा लगा लंदन आपको भोजपुरी फिल्म में शूट करके? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अरे अभी भैया क्या बताओ, यशी फिल्म यशराज, मजा आ गया काम करके, काफ़ी हम लोग सब लोग अच्छे से काम किया और अच्छे से आए। थैंक यू सर। इनका जबरदस्त फैन था मैं तो, बोलता ना माता रानी ने जो लेवल पे आज बोलता ना ऐसे सीनियर के साथ काम करने, मुझे भी बहुत मजा आ जाएगा, मतलब इज वेरी जॉली नेचर, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर दिनेश जी, इनको बोलता ना गॉड मानता है, तो हमारे लिए भी गॉड है। केडी जी सही बात बोल रहे, झूठ बोल रहे आदमी, आपको क्या लगता है? नहीं आप ने तेरा फीलिंग पहले तेरा फीलिंग जो तेरे डायलॉग आते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता नहीं, जो कैमरे के सामने है जो बोल रहे हैं हाँ। और ऐसा नहीं कि अभी बोल रहे हैं हाँ। अकेले में जब मिले जब भी यही बोल रहे हैं, बोलते हैं चले। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सबसे पहले देखने वाले सारे दर्शकों को दिल से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी प्रेम सेवा कैसे हूँ। बहुत क्या कहना चाहेंगे, दिनेश जी की फिल्में तो काफी देखती होंगी, क्या खास नजर आता है उनके एक्टिंग में? बहुत सारी हिट फिल्म्स है, बहुत सारी फिल्मों को पसंद भी करते हैं, पब्लिक भी पसंद करती है, तो आज उनकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है जान ले बुका, सो काफी अच्छा लगा सबसे मिलके, और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी काफी इंटरव्यू में सर ने बोला, सबसे खास बात है कि आज मकर संक्रांति है और आज उनकी मम्मी जी भी आई थी और अक्षरा जी भी आई थी, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा मुहूर्त रहा,
तो हाल फिलहाल में आपकी भी फिल्म आई थी, आगे क्या कर रही हैं, क्या काम चल रहा है आपका? मैं अभी सूट 3 मंथ से शूट ही कर रही थी, इतना थक गई थी, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, डबिंग चालू है और उसके बाद से फिर से अभी करने जा रहे हैं। तो कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट पर। अभी कल्लू मैं अभी करके आई, कल्लू की दुल्हनिया काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करके, कल्लू जी के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। सो अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी और सच में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मसालेदार, काफ़ी धमाकेदार, बहुत सबसे मतलब हटके तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर क्वेश्चन यही होता है कि सबसे हटके, लेकिन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जब भी रिलीज हो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। जान लेबू का हो टाइटल ही इतना हटके है तो फिर हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस होगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दिनेश जी काफ़ी इंटरव्यू में बोले और अक्षरा जी आई हैं, उन लोगों ने मतलब वो एक सॉन्ग गुनगुना रहे थे, काफ़ी प्यारा था, हम सिंगर तो नहीं, हम नहीं गुनगुना सकते, काफ़ी काफ़ी प्यारा था और ख़ास करके आज के टाइम में काफ़ी हिट चल रही हैं अक्षरा जी सिंगिंग के मामले में। सो आप सोच सकते हैं। तो आपको भी गाने का शौक है या गाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गाती, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बस 2-3 गाने आते हैं और कुछ नहीं। तो आप कब से इंडस्ट्री में आई हैं, मतलब कब से आपका संघर्ष जारी हुआ, कब काम मिला आपको, कितना वक्त लगा और आगे जो कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी लंबी कहानी है, काफ़ी स्ट्रगल भी है, टॉपिक को बाद में लेते हैं। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ के कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आता है काम करने में सबके साथ, मतलब बातें करके, मतलब अच्छा फील होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि मैं बता नहीं सकती, काफ़ी मज़ा आता है, मतलब सब कोई अपना अपना समझता है, ऐसा कोई नहीं कि किसी के दुश्मन, किसी के पीछे जो भी है मुँह पे बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास करके मैं अभी कल्लू की दुल्हनिया करके आई, कल्लू जी के साथ जिसमें साथ हीरोइन थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग सेट पे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा फील हुआ कि हम लोग एक फैमिली है, एक बड़ा सा बंगलो है, बड़ा सब लोग वहाँ पे रुके, काफ़ी इंजॉय किए, काफ़ी मज़े किए। और ख़ास करके अभी निकला कल्लू जी हैं तो आप लोग सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी थी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी अच्छी जोड़ी और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपका क्या किरदार है, किस तरह की फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है या क्या, किस तरह का ये? कॉमेडी भी है और मतलब तड़का अच्छा है, मतलब अच्छा फ्लेवर है बोल सके तो, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स है, मतलब कि साथ एक्ट्रेस, बहुत बड़ा कंसेप्ट था, तो बहुत मजा आया। तो अरविंद जी का क्या? कल्लू की दुल्हनिया के प्रोड्यूसर थे मुकेश गुप्ता जी और डायरेक्टर थे चंदन उपाध्याय जी और डीओपी थे दीवेंद्र तिवारी। तो क्या करना चाहिए, कैसा लगा उनका अभिनय के बारे में बताइए, जैसे स्वभाव कैसा था, किस तरह से वो मतलब सेट पे रहते थे कल्लू जी, पहले बताइए उनका व्यवहार कैसा था सेट पे? कल्लू जी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने मतलब जितना भी सुना था उनके बारे में कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सबसे हटके, मतलब कि काफ़ी नेचर वाइज काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सबसे हंसते बोलते रहना, अगर कोई सैड भी है तो उसको हंसाते रहना और कभी कभी तो माइक भी लेके सिंगिंग करके हंसाते रहना, तो काफ़ी अच्छे, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है और नो डाउट उनकी सिंगिंग तो सुपर डुपर है। सो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो कब तक ये आने की उम्मीद है, जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप कल्लू के साथ, कब तक पर्दे पाने की उम्मीद है? शूटिंग हो चुकी है पूरी इसकी? हाँ, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक अगले जन तक आ जाए। कहाँ किए थे शूटिंग, कैसा मतलब शूटिंग में कहाँ कहाँ आप लोग गए थे शूट करने के लिए? हम लोग फैजाबाद में शूट किए। अच्छा। हाँ, फैजाबाद एक ही लोकेशन था, अयोध्या काफी मतलब कि राम की नगरी है तो काफी अच्छा फील हुआ और काफी अच्छा लगता था, एक अपनापन महसूस होता था, राम की नगरी में जाके तो अच्छा फील होना ही है। और दिनेश जी के साथ अगर कोई रोल करने मिले तो किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे दिनेश जी के साथ, अगर आगे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है? हम एक्ट्रेस है, हमको मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मिले या बड़ा मिले, ऐसा नहीं है, काम काम होता है और जो भी मिले हम मन से करेंगे, हम एक्ट्रेस हैं ये सोच के, और खास करके हम एक्टिंग अच्छा और पब्लिक हमें पसंद करती है तो सिर्फ उसी के लिए पसंद करती है और किसी चीज़ के लिए नहीं करती है, तो हम अच्छा से अच्छा करेंगे। थैंक यू।